वेलकम टू माय चैनल। माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सस्ते में, कम पैसे में बहुत ही बढ़िया मिठाई, यानी कि लौकी की बर्फी। इसको घिया भी बोलते हैं और कई जगह दूधी भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 किलो लौकी ली है और इसको अच्छे से धो के आगे पीछे के पार्ट को हटा दिया है। और अब हल्के हल्के हाथों से छील लीजिए, ज़्यादा छिलका ना उतारें, बस थोड़ा थोड़ा ही उतारें। और जो इसके अंदर सफ़ेद वाला पार्ट है उसको आप हटा दीजिए, इसे बर्फी अच्छी नहीं बनेगी अगर हम रखेंगे तो। और यहाँ पर मैंने मोटे वाले सुराख से कद्दूकस कर लिया है। इस कद्दूकस में छोटे सुराख नहीं है, मीडियम वाले या बिल्कुल छोटे हैं या बड़े, तो मैंने बड़े वाले सुराख से कद्दूकस किया है। और ये देखिए बिल्कुल लच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और अब यहाँ पर मैं कुकर लूँगी। आप चाहें तो छीलने के बाद भी एक बार धो सकते हैं, पर अगर हाथ साफ करके आप कद्दूकस करेंगे तो धोने की ज़रूरत नहीं है। और सभी घिया को कुकर में डाल दीजिए और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ढक्कन लगा के 3 विसल लगा लीजिए, क्योंकि मोटे मोटे हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। और 3 सीटी लगने के बाद इसके अंदर जो भाप रह गई थी उसको मैंने साथ के साथ निकाल दिया और ये अच्छे से गल गई है। और जो ये इसके अंदर पानी है आप इसको निकाल दीजिए। आप इसे आटा गूंथ सकते हैं या इसको ठंडा करके पी भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, सारी घिया को उसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए। अगर इस तरह से दबा दबा के निकालना चाहें पानी को, आप वो भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मलाई समेत 2 गिलास दूध के डाल दिए हैं। आप चाहे तो कच्चा दूध डाल सकते हैं बिना उबला हुआ, तो मेरे पास उबला हुआ था तो मैंने मलाई के समेत डाला है। और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लीजिए। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक दूध सूख गया है। इसी तरह से हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे और दूध का दाना दाना सा भी बन गया है, मावा टाइप। और यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, जो खोपा होता है उसका, उसको डाल दीजिए, उसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और दानेदार बर्फी बनकर तैयार होंगी। और यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच के करीब ही मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, मिल्क पाउडर के बगैर भी बहुत ही बढ़िया बर्फी बनकर तैयार होंगी। और जो लौकी का पानी हमने निकाला था वो इसलिए निकाला था कि जल्दी लौकी पक जाए, वरना हमें पानी सुखाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप पानी रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, वही टाइम लगेगा ज़्यादा कि दूध सूखेगा, पानी सूखेगा। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के चीनी भी साथ में डाल दी है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अगर कम मीठा खाते हैं तो आप 1/4 कटोरी ले लीजिए या आधी कटोरी डाल लीजिए। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए सभी चीज़ें पकने लग रही हैं, यानी अभी तक बर्फी वाला टेक्सचर नहीं आया है लौकी का, अभी लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हरे कलर की डाली है, हरे रंग की, फूड कलर आता है, आप बाज़ार से आसानी से ले सकते हैं। इसका सिर्फ दिखने में अच्छी लगेंगी, कलर अच्छा लगेगा, इसलिए डाला है। अगर आप कलर नहीं है तो नॉर्मल कलर के लिए भी बहुत बढ़िया बर्फी बनेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलर ही डालें। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है सबसे लास्ट में, क्योंकि घी में सभी चीज़ें पक जाती हैं और बहुत ही टेस्ट लगेंगी बर्फी बनकर तैयार होंगी जो। और इससे क्या होता है, कढ़ाई को भी छोड़ देती हैं और पकने में भी लास्ट में डालें आसानी होती है। इस तरह से चलाते हुए
आप पका लीजिए। और ये देखिए, इस वक्त हलवे के लिए तो तैयार है मिश्रण, ये हलवा बन चुका है। अगर आप हलवा बना रहे हैं तो बस इतना ही पकाएं, और अगर आप बर्फी बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत और हमें पकाना होगा। और ये देखिए, जब इस तरह से पक जाए, रुक रुक के गिरे, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है ना पोंचे से, तो ये बर्फी जमाने के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे को घी से ग्रीस करके रखा है, सारे मिश्रण को इसमें डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे एक साइड में। ये देखिए, इस तरह से आप कटोरी या चम्मच से भी ऊपर से सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह कर लीजिए। और नारियल का बुरादा बचा हुआ है तो उसको मैं ऊपर से अच्छे से सेट कर दूंगी, और थोड़े से काजू भी डाल दूंगी, और इनको भी दबा के अच्छे से सेट कर देंगे। और हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में ना रखें, सिर्फ फ्रिज में ही रखिएगा। और 2 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो गई है। अब हम मनपसंद बर्फी काट लेंगे, आप जिस शेप में काटना चाहें वैसे ही काटिए। ये देखिए, मैं लंबे लंबे में कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से काट लीजिए। आप लौकी की बर्फी को दिवाली पर घर के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, या आप इन्हें बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। एक नई डिश होगी, नई मिठाई होगी, सब तारीफ करेंगे। और ये देखिए, मैंने सभी बर्फी कट करके नीचे से चाकू घुमा दिया है ताकि अच्छे से निकल के आए। और वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।